हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल आर हेल्थ एंड वेलनेस। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर साइंस 2025 पार्ट 3। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के टू कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो वन इज सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड अनदर वन इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हर्बीवोर एनिमल्स की स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी क्यों होती हैं? तो हर्बीवोर एनिमल्स की स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बड़ी होती हैं, कार्निवोर से ज़्यादा बड़ी इसलिए होती हैं क्योंकि उनकी जो डाइट है वो प्लांट बेस्ड होती है। जो लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ज़्यादा समय लेती है फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज एंड अदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो कि प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, और सरफेस एरिया भी बढ़ा देती है ताकि न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो आपके टार्निश्ड कॉपर वेसल्स होते हैं, हम देखते हैं कॉपर वेसल्स रखे रखे हरे रंग के हो जाते हैं, उनमें टार्निश एंड कोरोजन हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए हम लेमन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो लेमन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि लेमन में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि एक वीक एसिड है। सिट्रिक एसिड हमारा ग्रीन कलर्ड बेसिक कॉपर कार्बोनेट से रिएक्ट कर जाता है जो कि टार्निश्ड कॉपर वेसल्स के सर्फेस पर बन जाता है, जिससे वो डिज़ोल्व हो जाता है और जो आपका शाइनी कॉपर है वो बाहर आ जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि जो मेटल सल्फाइड ओर्स हैं उनको ऑक्साइड्स में क्यों कन्वर्ट करा जाता है प्योर मेटल को ऑब्टेन करने के लिए? तो जो आपके मेटल सल्फाइड ओर्स हैं उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि प्योर मेटल को ऑक्साइड से ऑब्टेन करना ज़्यादा आसान है, ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू देयर सल्फाइड्स। मेटल सल्फाइड को पहले रोस्टिंग की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर ताकि वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। जो बाद में मेटल ऑक्साइड मिलती है उसको रिड्यूस करके हम प्योर मेटल को ऑब्टेन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कॉपर वायर्स को इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस में हम क्यों यूज़ करते हैं? तो कॉपर वायर्स हमारे इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि कॉपर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसका रेजिस्टेंस भी कम होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट उसमें ईजिली फ्लो कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ड्राई HCl गैस ड्राई ब्लू लिटमस पेपर को चेंज नहीं कर पाती, उसका कलर चेंज नहीं कर पाती। ऐसा इसलिए होता है कि ड्राई HCl गैस में कोई हाइड्रोजन आयन्स नहीं होते हैं। ब्लू लिटमस पेपर अपना कलर तभी चेंज करेगा जब उसमें हाइड्रोजन आयन्स होंगे, और ड्राई HCl गैस से वो अनअफेक्टेड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अल्कोहल और ग्लूकोज में हाइड्रोजन होता है बट स्टिल वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। अल्कोहल और ग्लूकोज में हाइड्रोजन है बट वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स नहीं होते हैं। तो जो हाइड्रोजन एटम्स इन कंपाउंड्स में होते हैं वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं टू अदर एटम्स, और वो पानी में जाकर आयोनाइज नहीं हो पाते टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्टोमक में डाइजेशन ऑफ फूड कैसे होता है? तो जब डाइजेशन होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं स्टोमक में, वो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो उनको हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाए। इस प्रोसेस में क्या होता है, लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में रेट ऑफ ब्रीदिंग ज़्यादा क्यों होता है? तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में रेट ऑफ ब्रीदिंग ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन का कंटेंट एयर से कम होता है, इसीलिए एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को जल्दी जल्दी ब्रीथ करना पड़ता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन वो वाटर से ले पाएँ ताकि अपनी मेटाबॉलिक नीड्स को कम्प्लीट कर पाएँ, उसको सपोर्ट कर पाएँ। इसके कॉन्ट्रास्ट में टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा ऑक्सीजन एयर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हर सांस में क्योंकि एयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिल्वर का कोरोजन हम कैसे देख सकते हैं? सिल्वर के कोरोजन में क्या होता है कि सिल्वर के ऊपर एक ब्लैक कोटिंग बन जाती है, और ये कैसे बनती है? ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ सिल्वर विद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो कि एयर में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन? कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ऑयलिंग करके, पेंटिंग करके, गैल्वेनाइजिंग करके, ग्रीजिंग करके, क्रोम प्लेटिंग करके, एलॉय बनाकर, या फिर एनोडाइजिंग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
प्लांट्स में मसल सेल्स नहीं होते हैं, बट स्टिल वो दो तरह के मूवमेंट्स दिखाते हैं, नेस्टिक एंड ट्रॉपिक मूवमेंट्स। नेस्टिक मूवमेंट में क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर प्लांट सेल्स में चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल इसका हो जाता है कि जो डायनल मूवमेंट ऑफ लीव्स होता है, या फिर जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं उनका जो रिस्पॉन्स टू प्रे होता है, ये नेस्टिक मूवमेंट के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच।